आज का प्रेरणा पाठ है, कर्ता बनने से जो है हम कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। कर्म का बंधन क्रिया से नहीं है, कर्म का बंधन कर्ता भाव से है। और कर्ता भाव सिर्फ व्यवस्थित शक्ति के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है। हमको ज्ञान देते समय ये बताया गया है कि आप अकर्ता हो, कर्ता हो ही नहीं सकते हो। कर्ता बनने की स्वतंत्रता प्रकृति ने और कुदरत ने किसी को नहीं दी है, वो अपने पास में रखी है। और वो अपने पास भी क्या है, वो तो संयोगों के अधीन है। व्यक्ति कठपुतलियाँ होती है, वो तो संयोगों के अधीन जो कि एक धागे के रूप में उसके अधीन नाचती है। वो अकेला नहीं नाच सकती वो कठपुतलियाँ, वो तो उस धागे के अधीन है। तो हम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, अपने कर्मोदय से ही कोई चीज मिलती है। तो हमें अपने जो है कर्मोदय को ध्यान में रख करके और हमें ये निर्णय करना है कि हमारा सच्ची स्थिति क्या है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो है हमें अंतर्मुखी अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना पड़ेगा। और वह दृष्टि वो है वो आज के प्रेरणा पाथे से जो है हमको प्राप्त हो जाएगी। तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी ये चेतना है उसका हम ऊर्ध्वारोहण कैसे करें। उसका ऊर्ध्वारोहण करने के लिए हमें इसके भीतर गोते लगाने पड़ेंगे। जो बाहर गोते लगाते हैं उनको बाहर का टेम्परेरी सुख मिलता है, भीतर गोते लगाते हैं तो उनको भीतर जो है परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है। यही आज का प्रेरणा प्राप्त पाते हैं।